शासन के द्वारा लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला। आवश्यक कार्य से निकलने वालों के अलावा कुछ स्थानों पर मिला जुला असर रहा। कुछ जगहों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। महानगर में सभी दुकानें नियत समय पर बंद दिखी, जिसमें आरटीओ रोड, सिविल लाइन रोड, जीडीए टावर रोड, इंदिरा बाल विहार रोड सहित अन्य चौराहों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराती नजर आई। फिलहाल नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है और कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नजर आ रही है। इसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि 28 स्थानों पर बैरिकेडिंग कराकर नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आज रात 7 बजे से वीकेंड का कर्फ्यू रहेगा और उसमें सबको लॉकडाउन का पालन करना है। बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना। अगर अति आवश्यक कार्य है, देखो आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। उसके अतिरिक्त लोग घरों में रहें और कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय हैं उनको अमल में लाएँ। इसके लिए 28 जगह बैरियर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और 10 जगह बैरियर्स लगाए गए हैं ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए। उन सबको एक्टिवेट किया जाएगा। सभी SHO, CO, चौकी इंचार्ज, सभी इंस्पेक्टर्स को बाहर निकाला जाएगा और जनता से यही उम्मीद की जाएगी कि वो पूर्ववत हमारा सहयोग करें। सर, जो बिना आवश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं उनसे उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी, उनके गाड़ियों की सीजरी की कार्रवाई की जाएगी और कोई दुकानदार जिसको अलाउड नहीं है वो दुकान खोल रहा है तो उस पर हमारे अधिनियम 188 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।